So today we are going to start our new lecture, or sorry, new chapter. And our chapter is the fifth chapter of our seventh unit. So seventh unit जो हम पढ़ रहे हैं, unit का नाम था properties of bulk matter. तो हमारा unit जो है वो properties of bulk matter है और उसको हमने पांच chapters में divide करके पढ़ा है. अब तक हमने चार chapter कर लिए हैं और आज हम fifth chapter शुरू करने जा रहे हैं. And the name of the chapter is transfer of heat. तो इससे पहले हमने लास्ट चैप्टर में हीट का कंसेप्ट समझ लिया था कि हीट जो है किसी भी बॉडी में गर्मी या ठंड का एहसास कराती है. तो अगर किसी बॉडी को हीट दी जाती है तो वो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है और उस बॉडी को गर्मी लगती है. और अगर बॉडी से हीट निकाल दी जाए तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और बॉडी को ठंड महसूस होती है. और हीट जो है वो नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ जाती है. अब हम ये देखेंगे कि भाई हीट ट्रांसफर कैसे होती है, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में किस फिनोमिना के थ्रू ट्रांसफर होती है. तो हीट जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तीन तरह से जा सकती है. देर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. सो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड from one body to another by following three modes. So iska matlab there are three modes of heat transfer. First one is conduction. Second one is convection. And third one is radiation. So conduction, convection and radiation. So ये तीन modes हैं heat transfer के. तो सबसे पहले हम detail में पढ़ते हैं first mode of heat transfer, that is conduction. So conduction क्या है, कैसा heat transfer का mode है? तो कंडक्शन में क्या होता है कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट है, जब एक बॉडी के एक एंड को गर्म किया जाता है तो उस एंड पे जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ता है, उनके साथ वाले पार्टिकल्स का टेम्परेचर कम होता है. तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट ट्रांसफर होती है, फिर उस पार्टिकल से अगले पार्टिकल में, फिर अगले पार्टिकल में. तो इस तरह से हीट जो है एक एंड से दूसरी एंड की तरफ ट्रेवल करती है. तो सपोज करें हमने यहां पर एक रॉड रखी, ये रही. अगर हम कोई भी रॉड लेते हैं और इस रॉड के एक एंड पे वैक्स लगा दिया जाता है, तो एक एंड पे क्या लगा दिया जाता है, वैक्स, मतलब मोम लगा देते हैं. तो इधर हम मोम लगा देते हैं इस एंड पे, ऐसे मोम चिपका देते हैं. तो मोम ठंडा है तो चिपक गया यहां पे, लेकिन जब मोम को गर्म किया जाएगा तो गिरेगा. तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और यहां पर एक एंड पे एक बर्नर रख दिया जाता है. तो ये बर्नर रख देते हैं हम और इसमें आग लगा देते हैं. तो ये बर्नर जो है ये यहाँ पे इस एंड को गर्म करना शुरू कर देता है. तो हीट इज बीइंग गिवन टू दिस एंड ऑफ द रॉड. इस एंड से आपने इसको गर्म करना शुरू कर दिया तो इस एंड का यहाँ पे जो पार्टिकल है इसका टेम्परेचर बढ़ा, इसने इस पार्टिकल को हीट दी, इसने इस पार्टिकल को, इसने इस पार्टिकल को, इस पार्टिकल को. तो पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफर होने लगे. पार्टिकल वहीं पे खड़े हैं, सिर्फ एक पार्टिकल गर्म हुआ, उसने दूसरे पार्टिकल को गर्म कर दिया, अगले ने अगले को कर दिया, अगले ने अगले को कर दिया और एक एंड से दूसरे एंड तक हीट चली गई. ये क्या है, यहाँ पे ये वैक्स. तो हम दूसरे एंड पे क्या देखते हैं, वैक्स स्टार्ट्स टू मेल्ट डाउन. तो ये क्या करती है, ये मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाती है, ये नीचे की ओर गिरने लग जाती है. तो ये जो फिनोमिना है हीट ट्रांसफर का,
this phenomena is known as a conduction mode of heat transfer. तो ये है conduction. तो इसकी मैं आपको definition लिख के बता देता हूं. It is a mode of transfer of heat from one part of the body to another part from particle to particle from particle to particle in the direction of fall of temperature without any actual movement of the heated particle, तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर का वो मोड है जिसके अंदर होता क्या है, बॉडी के एक एंड को जब गर्म किया जाता है तो उस एंड का जो पार्टिकल है, सपोज करो ये पार्टिकल है नंबर वन, ये गर्म हो जाता है, ये हीट अगले पार्टिकल को देता है, अगला पार्टिकल अगले पार्टिकल को, अगला को अगले को, हीट ट्रांसफर होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, गर्म वाला पार्टिकल कहीं नहीं जाता, वो वहीं रहता है, तो कोई मूवमेंट नहीं होती पार्टिकल की, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट चली जाती है. तो ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कहलाता है. उसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहां दिखा दिया कि अगर एक कोई भी आयरन रोड या स्टील रोड आप गर्म करोगे एक एंड को, तो दूसरे एंड पे अगर आपने कहीं वैक्स लगाया होगा तो आप देखोगे वैक्स विल स्टार्ट टू मेल्ट डाउन. तो वैक्स मेल्ट्स व्हेन वन एंड ऑफ द रोड इज हीटेड. रोड इज हीटेड जब एक एंड, ये वाला एंड हमने गर्म किया और दूसरे एंड से वैक्स क्या हुआ, पिघलने लग गया, इसका मतलब एक एंड से दूसरे एंड में हीट ट्रांसफर होगी, एंड दिस मोड इज नोन एज अ कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. दूसरा हमारा मोड था कन्वेक्शन. कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो गर्म वाला पार्टिकल है ना वो मूव कर जाता है और ठंडे वाला पार्टिकल हीटेड जगह पे आ जाता है और फिर वो गर्म होता है. तो एग्जाम्पल इसका पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं. तो हम घरों में पानी गर्म करते हैं पैन में, तो आपने देखा होगा पैन में क्या होता है कि पानी जब गर्म होता है तो पानी में हलचल मची होती है ना. तो पानी जब गर्म हो रहा होता है ना तो पानी के जो पार्टिकल्स है ना वो हिलडुल रहे होते हैं. तो होता क्या है, जब आपने पानी को गर्म कर रहे होते हो एक कंटेनर में डाल के, तो कंटेनर जब यहाँ पे आपने बर्नर लगा दिया, here we had placed a burner, तो इधर हमने एक बर्नर लगा दिया और इसको हमने ऑन कर दिया. तो इसको क्या किया, ऑन कर दिया और वी स्टार्ट सप्लाइंग हीट टू दिस पैन. तो होता क्या है, जो पानी इधर होता है, जो पानी के पार्टिकल्स यहां पर होते हैं जस्ट इन कॉन्टेक्ट विद दिस बर्नर, वो गर्म होते हैं और वो गर्म पार्टिकल जो है वो ऊपर की ओर मूव कर जाते हैं और ठंडे पार्टिकल नीचे आते हैं और फिर ठंडे को फिर हीट मिलती है और वो भी गर्म होकर ऊपर चले जाते हैं. तो एक्चुअल में मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स हो रही होती है इन केस ऑफ हीटिंग ऑफ वाटर या बॉइलिंग ऑफ वाटर. जब आप पानी
को गर्म करते हो, और ये किसका एग्जाम्पल हुआ, कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर का। तो कन्वेक्शन मोड में क्या होता है, पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, तो गर्म पार्टिकल जो होता है वो मूव कर जाता है और ठंडा पार्टिकल आकर के फिर वो गर्म होकर फिर वो मूव कर जाता है। तो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स टेक्स प्लेस इन केस ऑफ कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। एग्जाम्पल जो है उसका क्या है, बॉइलिंग ऑफ वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो इसके लिए भी लिख देते हैं, दिस इज द मोड ऑफ This is the mode of transfer of heat या heat transfer from one part of medium from one part of a medium to another by actual movement of particles. By actual movement of particles. Example is boiling of water is an example of convection. Is an example of convection when lower layer. Of water gets high temperature it moves upwards तो जब नीचे वाली लेयर गर्म हो जाती है तो वो ऊपर चली जाती है, और ऊपर वाली ठंडी लेयर नीचे आ जाती है, फिर वो गर्म होकर वो ऊपर चली जाती है, और इस तरह से पानी जो है वो बॉयल होता है। और ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है उसको कहते हैं कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। द थर्ड वन इज, तीसरा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में हीट जो है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और वेव की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स टू द रिसीवर From source to the receiver without any actual movement of source or receiver. Source or a receiver, and also without heating the intervening medium. Intervening medium. So, radiation source mode of heat transfer में क्या होता है? हीट जो है वो सोर्स से रिसीवर की तरफ जाती है विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सोर्स और रिसीवर, और इसके बीच में उन दोनों के जो मीडियम होता है वो भी गर्म नहीं होता है। तो ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, दैट इज सन। तो एग्जांपल क्या है, जब सन से धरती की ओर हीट आती है, ठीक है ना, तो सन से जो रेडिएशंस हैं, दे आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द अर्थ, और यहां पर हम होते हैं
और ये हम है रिसीवर। तो अर्थ पे हम रिसीवर हैं और सन जो है वो सोर्स है। तो सन से चल के जब अर्थ पे रेडिएशंस आती हैं वो रास्ते में जो इंटरवीनिंग मीडियम है उसको कोई गर्म नहीं करती है, मतलब हमारे में जो वैक्यूम है सारा वो कोई कहीं पे हिट नहीं आती, वो रेडिएशंस आगे सीधा धरती पे स्ट्राइक करती हैं, ठीक है, और फिर उसको गर्म करती हैं। तो ये है रेडिएशंस, तो इसको कहते हैं रेडिएशन। तो तीन तरह के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हमने देख लिए, कंडक्शन जिसके अंदर बॉडी का एक पार्टिकल गर्म होकर के दूसरे पार्टिकल को गर्म करता है, वो पार्टिकल अगले को पार्टिकल को गर्म करता है, अगला पार्टिकल उससे अगले पार्टिकल को गर्म करता है, और इस तरह से बॉडी में एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर होती है। कन्वेक्शन में क्या था, कन्वेक्शन में जो पार्टिकल्स गर्म हो गए वो ऊपर मूव कर जाते हैं और अगले पार्टिकल आते हैं और वो गर्म होते हैं, फिर ऊपर वो मूव कर जाते हैं, फिर दूसरे पार्टिकल आते हैं, तो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है वो कन्वेक्शन। रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में सोर्स से रिसीवर तक हीट जो है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ट्रेवल करती है। तो ये तीन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हमने पढ़ ली। नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल रिलेटेड टू हीट, कंडक्टिविटी मतलब अंदर से उसको फ्लो कराना। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द सॉलिड to conduct heat through it. तो एक सॉलिड की एबिलिटी कि वो अपने अंदर से हीट को कितनी आसानी से कंडक्ट कर पाता है उसको कहते हैं उसकी थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब कोई सॉलिड अगर ज्यादा आसानी से हीट को ट्रेवल कर पाएगा तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी कहलाएगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सम अदर सॉलिड जिसके अंदर से हीट आसानी से पास ना कर पाए। एग्जाम्पल क्या है इनके, एग्जाम्पल है जैसे कॉपर सिल्वर हो गए, आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वेयर एज ग्लास, वुड एटसेट्रा आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ग्लास हो गया, वुड हो गया, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जबकि कॉपर सिल्वर अपने अंदर से बड़े आसानी से हीट को ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह से थर्मल कंडक्टिविटी एक सॉलिड की एबिलिटी है कि वो अपने अंदर से हीट को कितनी आसानी से ट्रेवल करने देता है। नेक्स्ट इज there are two states of a body or object while heating. तो body का दो तरह से दो state है, जब वो उसको गर्म किया जा रहा होता है तो उसकी दो states को define किया जा सकता है। एक होती है variable state, कि body is in variable state. तो variable state में body कब होती है, जब temperature हर cross section का जो होता है ना वो एक एंड से दूसरे एंड पे बढ़ता जाए या वेरी करे तो हम कहते हैं कि द बॉडी इज इन अ वेरिएबल स्टेट। तो वेरिएबल स्टेट कब होती है, एज टेम्परेचर ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड गोज ऑन इंक्रीजिंग goes on increasing, rod is said to be in variable state. Rod is said to be in a variable state.
तो अगर एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन की तरफ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, मतलब एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर कुछ हो रहा है दूसरे का अलग है, तो अल्टीमेटली द रॉ द बॉडी इज इन और द रॉड इज इन अ वेरिएबल स्टेट। और अगर यही हम स्टेडी स्टेट की बात करें, तो स्टेडी स्टेट क्या होता है, एज अ टेम्परेचर ऑफ each part, temperature of each part becomes constant and there is no further absorption of heat. Absorption of heat anywhere in the rod rod is said to be in steady state. ठीक है जी, तो steady state क्या है, जैसे कोई rod को हम गर्म करते हैं, तो जब हम रॉड को गर्म करना शुरू करते हैं, लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम, सपोज करो ये रॉड है, इसको हमने गर्म करना शुरू किया, तो हीट जो है, इसको हमने अगर हीट देनी शुरू की, तो यहां पर क्या होगा कि इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, इसका कम होगा, तो अल्टीमेटली टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होगा, इधर से कहें तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होगा और अगर इस तरफ आए तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा। अब क्या होगा कि एक पार्टिकल गर्म हुआ, इसने इसको गर्म कर दिया, तो अल्टीमेटली इसने कुछ हीट एब्जॉर्ब की, अब ये जितनी हीट एब्जॉर्ब कर सकता था उतनी इसने कर ली है, अब अगले वाले ने भी जितनी हीट एब्जॉर्ब कर सकता था वो भी इसने कर लिया, तो इसका मतलब ये दोनों सेम टेम्परेचर पे आ गए, ये सारे जब सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, तो सारे पार्टिकल जब सेम टेम्परेचर में आ जाएंगे तो उस समय जो रॉड है वो स्टेडी स्टेट में कहलाएगी। तो जब हम किसी भी चीज को गर्म करना शुरू करते हैं तो वो वेरिएबल स्टेट में होती है, और कुछ समय हीट करने के बाद सारे पार्टिकल जो है वो एक समान गर्म हो जाते हैं, उनका टेम्परेचर बराबर हो जाता है, तो बॉडी जो है वो स्टेडी स्टेट में कहलाती है, और कोई भी और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट नहीं हो रही होती कहीं पर भी किसी भी जगह में रॉड। तो जैसे जितनी हीट आप दोगे द सेम हीट विल बी ट्रांसफर्ड आउट, तो अगले साथ के साथ सराउंडिंग को वो हीट ट्रांसफर कर देंगे पार्टिकल्स, तो उस स्टेट को कहते हैं स्टेडी स्टेट ऑफ द रॉड। नाउ रेट ऑफ कंडक्शन, किसी भी बॉडी का रेट ऑफ कंडक्शन, रेट ऑफ कंडक्शन क्या होता है, मतलब कितनी हीट कितने समय वो कंडक्ट करता है, मतलब अपने अंदर से जाने देता है, उसको कहते हैं रेट ऑफ कंडक्शन। तो जब कभी रेट ऑफ कंडक्शन किसी बॉडी का निकाला जाता है तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड, कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ये देखा गया, लेट मी ड्रॉ अ क्यूब, सो लेट देयर बी अ क्यूब, तो यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच सॉरी, तो ये हमारे पास एक क्यूब है, ये जो लेंथ है लेट इट बी डेल्टा एक्स, जो ये फेस है हमारा ए बी फेस, ये ए बी फेस है, लेट इट बी इट विल बी एट अ टेम्परेचर ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, और जो ये हमारा है ये वाला फेस है लेट इट बी एट अ टेम्परेचर ऑफ टी, तो हमारे पास एक फेस जो है वो टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी पे है
और दूसरा जो फेस है वो है टी टेम्परेचर पे, तो यहां से हीट जो है इधर को ट्रांसफर करेगी, लेट द हीट ट्रांसफर विल बी डेल्टा क्यू। तो ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है ये कितना होगा, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट, इट इज फाउंड दैट it is found that rate of conduction of heat is, इसके कुछ points निकले हमें कि is directly proportional to area of cross section, directly proportional to area of cross section A B C D। तो ये जो A B C D का area है, area of cross section A B C D of a hot phase, ठीक है जी, that is delta Q by delta T is directly proportional to area, area को capital A से denote कर दिया है, ठीक है जी। तो ये area A area है, तो एरिया जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट होगी। दूसरा ये देखा गया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी बिटवीन टू फेसेस, दैट इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी कैपिटल टी, ठीक है जी। तो ये दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आया, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the distance between the two faces, जो दो faces है उनके बीच का जो distance है that is delta x, ये हमने दो सौ faces का difference कितना लिया था, ये रहा delta x। तो ये तीन point निकल के आए, और when combining these factors we get delta q by delta t is proportional to a delta t by a delta x, ठीक है जी। और यहां से delta q का वैल्यू क्या आ गई, delta q by delta t is इज इक्वल टू, यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा के इक्वल का साइन लिख दिया गया, के ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट विच इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स, जहां पर के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसका नाम है कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सो हेयर फिर से मैं ये वाला लिख देता हूं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स। यहां पर जो के है इट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, एंड दिस डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स it is known as temperature gradient, it is known as a temperature gradient। तो इधर से हमारे पास rate of conduction of heat का एक formula आ गया। Now from here we can also define the coefficient of thermal conductivity, coefficient of
थर्मल कंडक्टिविटी, दैट इज के। तो के को हम डिफाइन करते हैं एज वी नो दैट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको यहां से के की वैल्यू निकालू और के इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या आ गई डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ए एंड डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर में। ठीक है जी। नाउ इफ एरिया इज यूनिट, अगर यूनिट एरिया हो, यूनिट ही टेम्परेचर ग्रेडियंट हो, तो क्या होता है देन के की वैल्यू क्या आती है। देखो आप, अगर ये यूनिट हो गया वन और एरिया भी वन हो गया तो के इसके इक्वल आ जाता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी के। तो के कम्स आउट टू बी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी व्हेन देयर इज यूनिट एरिया एंड यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहां से हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन निकाल लेते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट अक्रॉस द सॉलिड। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड इट्स यूनिट्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू, इसके यूनिट्स क्या बन जाते हैं, के यूनिट्स बनते हैं बेटा कैलोरीज पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस। तो यहां से हमारे पास ये यूनिट्स बनते हैं। ठीक है जी। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड इट्स डेफिनेशन। सो दिस इज इनफ फॉर आवर टुडेज लेक्चर। एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं दोबारा से, आज हमने नया चैप्टर ट्रांसफर ऑफ हीट शुरू किया और इस चैप्टर में हमने सबसे पहले ये बात की कि भी हीट बॉडी में किन मोड्स किस तरह से ट्रांसफर होती है। तो हमने तीन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर किए, कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में जब किसी बॉडी को गर्म किया जाता है तो उसके एक एंड का पार्टिकल गर्म होता है, वो साथ वाले पार्टिकल को गर्म करता है, वो उसके साथ वाले को करता है और इस तरह से एक एंड से दूसरे एंड में हीट ट्रांसफर करती है विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। एग्जाम्पल है जब एक रॉड को, स्टील की रॉड या लोहे की रॉड को आप गर्म करते हो एक एंड को, तो दूसरा एंड गर्म होता है बाय द मोड ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। कन्वेक्शन में क्या होता है, जब आप एक पार्टिकल को गर्म करते हो तो गर्म पार्टिकल मूव कर जाता है और ठंडा उसकी जगह पे आ जाता है और फिर ठंडा पार्टिकल मूव करके गर्म होकर के फिर वो चला जाता है, फिर उसकी जगह पे ठंडा आता है। तो इसका मतलब एक लेयर गर्म होती है तो हॉट लेयर मूव आउट और कोल्ड लेयर आके फिर वो गर्म होती है। तो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है और ऐसे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कहते हैं और एग्जाम्पल है बॉइलिंग ऑफ वाटर। रेडिएशन में हीट जो है रेडिएशन की फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफर होती है एक सोर्स से रिसीवर को, जैसे कि सन से हीट हमें रेडिएशंस की फॉर्म में मिल रही है। तो ये तीन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर थे। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी की बात आई, तो थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी सॉलिड की वो एबिलिटी है जिसके कारण वो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर कर पाता है। तो जो जितनी आसानी से कर पाता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है। जैसे कॉपर और सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छी होती है जबकि ग्लास और वुड की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। ऐसे ही अब जब किसी भी बॉडी को गर्म किया जाता है
तो एक एंड गर्म होने लगता है और फिर अगला एंड गर्म होता है, फिर उससे अगला पार्टिकल, तो जब ऐसा हो रहा होता है तो हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर अलग अलग होता है, उस समय बॉडी वेरिएबल स्टेट में कहलाती है। लेकिन जब हम उसे गर्म करते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि पार्टिकल ने जितनी हीट एब्जॉर्ब करनी थी वो कर चुके हैं, तो अब अगर उन्हें और हीट मिलेगी तो वो डायरेक्टली दूसरे एंड से बाहर की ओर ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ऐसा जब स्टेट आ जाएगा जहां पे सभी क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट टेम्परेचर में बन जाएंगे और फर्दर कोई भी अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट नहीं होगी, उस स्टेट को स्टेडी स्टेट कहा जाता है। उसके बाद आया रेट ऑफ कंडक्शन, या हीट कंडक्शन कह सकते हैं, या कंडक्शन ऑफ हीट कह सकते हैं। तो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट का मतलब कितनी हीट कितने समय में, तो ये हीट है, ये टाइम है, कितनी हीट कितने समय में ट्रांसफर की जाती है, वो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट है किसी सॉलिड का। और ये देखा गया कि ये जो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द सरफेस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सर्फेसिस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन द सर्फेसिस। तो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट जो है ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया गया जिसको कॉफिशेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहा गया। तो यहां से हमारे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल के ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स आ गया, तो कॉफिशेंट थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाली तो हमारे पास ये आ गए। तो के इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स, और यहां से कॉफिशेंट थर्मल कंडक्टिविटी की एक डेफिनेशन निकाल दी गई, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट अक्रॉस द सॉलिड, और इसके यूनिट्स आगे कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज एनफ फॉर आवर टूडेज लेक्चर, रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।